हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहता हूँ इस डायग्राम के थ्रू। और वो कन्फ्यूजन क्या है भाई, ये यहाँ हेडिंग लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। हेडिंग में क्या लिखा है भाई कि वीर पतला है, बच्चे होंगे या नहीं। ठीक ना, जो लोग को शादी होने वाला होता है तो भाई उन लोगों का जिनका वीर पतला है, ये तो ख्याल जरूर आता है उनके कि मैं बच्चा पैदा कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो इस वीडियो में आप लोग का कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। जो लोग का सीमन पतला है, जल्दी निकल जाता है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो भाई इस वीडियो में उन लोगों का जो सवाल का जवाब है क्या कारण है। पहले कारण देखते हैं भाई कि वीर पतला होने के कारण, जो वीर हमारा पतला हो जाता है उसका कई एक कारण नहीं रहता भाई, कईयों कारण होते हैं। ठीक ना, अधिक गर्म चीज़ खा लेना, ये नहीं कि खाली मास्टरबेशन की वजह से होता है, कईयों कारण होता है। जैसे भाई इसमें क्या पहला कारण है, जिंक की कमी और शीघ्र पतन, नियमित स्खलन, शुक्राणु की संख्या में कमी, हस्त मैथुन, वैरिकोसील, हाइड्रोसील, संक्रमण और ट्यूमर, हार्मोन्स असंतुलन, नली में कोई चोट, प्रोस्टेट ग्लैंड व शुक्राशय कमजोर हो जाना। ठीक ना, तो ऐसे कारण है भाई जिसके कारण हमारा जो वीर पतला हो जाता है। और जिंक, जिंक की बात करें तो भाई यही जिंक हमारा जो इरेक्शन लाता है, ये वाला जिंक खाओ, जिंक वाले चीज़ें खाओगे जैसे ये इरेक्शन लाता है। और इसी के कमी की वजह से भी, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो, क्योंकि ये गर्म होता है जिंक वाले, जैसे मांस, अंडे, लाल मीट में, लाल मांस में, और मछली, और जैसे खजूर, काजू, हाँ, अखरोट, और जैसे कद्दू बीज हो गया और पालक हो गया, ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो लोग थोड़ा उसमें भाई जो लोग इस्तेमाल करते होंगे वो लोग को, जैसे आप अंडे मछली खा रहे हो तो भाई उन लोगों को क्या होगा, आपका प्रॉब्लम ये हो जाएगा, नाइट में सपने या बिना सपने से नाइटफॉल हो जाएगा। लेकिन इन ये नहीं बोल रहे इनको नहीं खाना है, खाना है, बट ज़्यादा नहीं खाना है। अपना जो जितना आप खा सकते हो, मतलब कि आपका बॉडी सपोर्ट कर सकता है, आपका मनी को बाहर नहीं निकाल सकता, तो उतना तो खाना भाई, आप अपने आप को आंकना पड़ेगा। ठीक ना, जिंक की ज़रूरत पड़ता है भाई, नहीं तो ये प्रॉब्लम भी होता है, कोई एक कारण नहीं होता, ये जान सकते हैं। शीघ्र पतन, ठीक ना, बार बार शीघ्र पतन मतलब कि डिस्चार्ज हो जाना, जैसे सेक्स करने जाना ये, हाँ, नियमित स्खलन, जैसे पर डे सेक्स कर रहे हो, स्खलित हो जा रहा हो पर डे, हाँ, तो उससे भी ये बार प्रॉब्लम आता है। शुक्राणु की कमी, ये अगर शुक्राणु यहाँ बनता भाई, ठीक ना, इसके वजह से भी हमारा जो ये वाला वीर का पतला होने का कारण भी बनता है, शुक्राणु शुक्राणु यहाँ बनता है। हंस मैथुन, जो बचपन में गलतियाँ या शादी से पहले या शादी के बाद भी कर रहा हो, तो भाई बार बार बॉडी से ये सब चीज़ें निकलेगा तो हमारा वीर पतला तो होवे करेगा जब। और क्या होता है, वायरिकोसील, वायरिकोसील भाई ऐसे एक दिक्कत होता है, जैसे कि आपको बता दें वायरिकोसील एक ऐसे, ठीक ना, ऐसे तमाम ऐसे इसमें गुच्छे नुमे रहते हैं भाई, ऐसे ऐसे लगे रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लगे रहते हैं, देख सकते हैं, ऐसे लगे रहते हैं इसी में, जो गोलियां में, जो टेस्टीज में लगे रहते हैं, और यही मोटा हो जाता है भाई, ये जो नसें हैं मोटा हो जाने के कारण इसमें मीठा दर्द होने लगता है, ऊपर होता है दर्द, हाँ, यहाँ यहाँ नहीं, जिनको यहाँ होता है नीचे साइड, देख सकते हैं चिपचिपा पानी आने पर यहाँ होता है बहुत लोगों, जिनको इरेक्शन बहुत कम आता तो उनको, तो जिनका तनाव जो कम आता है उनका तो यहाँ पर दर्द होने लगता होगा, चिपचिपा पानी आने पर या बात करने पर यहाँ हल्का मीठा दर्द, तो वो लोगों को वायरिकोसील वाले उनको यहाँ दिक्कत होने लगता है भाई, इसके वजह से भी हमारा जो मनी पतला हो जाता है। हाइड्रोसील, हाइड्रोसील जिसमें ये जो हमारा दो गोलियाँ, इसी में पानी जो लिक्विड पदार्थ भर जाता है भाई, लिक्विड पदार्थ भर जाने के कारण भी हमारा इसका सामना करना पड़ता है। ठीक ना, और क्या है, संक्रमण, किसी भी प्रकार का अगर इसमें संक्रमण हो जा रहा है भाई कहीं भी, हाँ, चाहे प्रोस्टेट ग्लैंड में, शुक्राशय में, मूत्र मार्ग में, हाँ, इसमें ब्लडर में, ऐसे किसी में भी अगर हमारा संक्रमण फैल जा रहा है तो भाई इसका जो वी पतला इसका होने का भी मतलब कि ये भी कारण है। और ट्यूमर, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड हमारा ट्यूमर हो जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड में,
इसका आकार साइज बदल जाता है, पैसे ऐसे धब्बे टाइप में लगा रहता है भाई। तो इसके कारण भी, ट्यूमर के कारण भी हमारा जो ये इसका सामना करने को मिलता है। हार्मोन्स असंतुलन, हार्मोन्स असंतुलन का ये भी होता है भाई, जो लोग को जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है भाई, हाँ ये बहुत चीज़ें हैं, हार्मोन्स डिसेबल होने का होगा, मतलब असंतुलित होगा ना भाई, तो हमारा ये वाला, हाँ ये वाला प्रॉब्लम तो देखने तो 100% मिलेगा। ये हार्मोन्स बहुत जल्दी भाई, अगर ये गलतियाँ कर रहे हैं, ये सब चीज़ गलतियाँ हैं, तो ऑटोमेटिक ये वाला प्रॉब्लम होने लगेगा, ठीक ना। और क्या है भाई, नली में कोई चोट, जैसे फुटबॉल या गुप्त अंग में जैसे चोट, कोई चोट लग जाता, कहीं भी लग जा रहा है, मतलब कोई नहीं, टेस्टिस में, नली में, किसी भी में लग जा रहा है, तो उससे भी हमारा जो ये मनी पतला हो जाता है। यह है प्रोस्टेट, यह क्या लिखा है, प्रोस्टेट ग्लैंड व शुक्राशय कमजोर होना। जो लोग भाई, जो लोग मास्टरबेशन करेंगे ना भाई, तो हमारा ये जो है प्रोस्टेट ग्लैंड है, शुक्राशय है, ये वीक हो जाता है। वीक होने के कारण, हाँ यही चिपचिपा, जो चिपचिपा पानी जो वीर यही यही रिलीज करता है, यहाँ से शुक्राणु आता है और सब मिल के बाहर निकलता है, ठीक ना। यही सब चीज़ें हैं जो चिपचिपा पानी छोड़ता है, जो लिक्विड पदार्थ निकलता है लार जैसे, तो यही का काम है भाई, ठीक ना। ये सब चीज़ें जैसे बॉडी से बहुत ज़्यादा हमारा सपने से या हो रहा, बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई नाइटफॉल की समस्या, तो हमारा धीरे धीरे करके जो मनी पतला हो जाएगा, और ये वीक होने के कारण उस सब चीज़ को रोक नहीं पाएगा। ये सब चीज़ कारण है, सबसे प्रॉब्लम ये है, मसाने गर्मी, मसाने गर्मी बोले तो पेट अगर साफ नहीं होगा ना भाई, ये प्रॉब्लम और बढ़ता चला जाएगा। पेट साफ रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। और यहाँ है क्या, अब यहाँ क्लियर कर देना, बच्चे होंगे या नहीं, यहाँ लिखा है बच्चे होंगे या नहीं, तो इसमें क्लियर कर देना है भाई, जो लोग बच्चे वाले समस्या है, तो सीमन यानी जो हमारा मनी, जो हमारा वीर, ठीक ना, सीमन गाढ़ा हो या पतला, ठीक ना, सफ़ेद हो या पीला, कम हो या ज़्यादा, जिसे कम मात्रा में निकल रहा है, तो कम हो या ज़्यादा होने से पिता बनने में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देख रहे हैं भाई, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं मेरा सीमन पतला है तो उससे मैं पिता नहीं बन सकता, तो ऐसा कोई कारण नहीं भाई। हमारा जो सीमन, सीमन तो यहाँ होता है, यहाँ ये लोग छोड़ते हैं, ठीक है ना, ये लोग सब छोड़ते हैं, और हमारा जो स्पर्म हमारा यहाँ बनता है, स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन यहाँ बनता है, हाँ ठीक ना, ये यहाँ बनता है जो अधिवृषण, ठीक ना, पहले यहाँ बनता है जो व्हाइट वाला हिस्सा है, यहाँ से होके हमारा जो वृषण से होके यहाँ जो रेड वाला है ये अधिवृषण में आ जाता, फिर यहाँ से भाई हमारा शुक्राणु ऐसे करके यहाँ जाता है, जो यहाँ से ये शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये शुक्राशय है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, यही सब मिलके यहाँ बाहर निकाल देता है, ठीक ना। ये जरूरी नहीं कि हमारा सीमन पतला है या गाढ़ा, इससे पिता बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, बन सकते हैं, ठीक ना, आप लोग बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि बहुत लोग ये सोचते हैं भाई, कि बहुत लोग ये सोचते रहते हैं कि वीर के पतले होने का मतलब ये समझ लेते हैं कि भाई कि उनके पतले वीर में, ठीक ना, शुक्राणु नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, पतले वीर में, ये यहाँ वीर में शुक्राणु नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, और ऐसा कोई कारण नहीं कि वीर के पतले होने की पतला होने की वजह से बच्चा पैदा करने में कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं भाई,